हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ मेरी बजाज सिटी 110 की, कुछ ब्रेक का इशू है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी हमारी गाड़ी जो है 9386 किलोमीटर चली है और इसकी मैंने तीनों सर्विस करा ली है। कुछ दिनों से इसके ब्रेक में दिक्कत आ रही थी कि इसका रियर ब्रेक काम नहीं कर रहा है। जैसे ये अगर मैं कर रहा हूँ ना, ये ब्रेक पूरा इतना लगा रहा हूँ, फिर भी ब्रेक बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा है व्हील पे, और आवाज़ भी कर रहा है ब्रेक। अगर बहुत ज़ोर से मारेंगे फिर ये ब्रेक काम कर रहा है। तो जब मैंने इसको थोड़ा पता किया तो मालूम ये हुआ कि इसका ब्रेक शू जो है वो घिस गया है, आपको नया ब्रेक शू लगाना पड़ेगा। देखिए, ब्रेक शू का इंडिकेटर भी होता है यहाँ पर कि आपकी जो है कितना अभी यूजेबल है या नहीं है, से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसका एक पैमाना भी होता है जिससे आप माप सकते हैं कि अभी कितना बाकी है। देख रहे हैं ये इंडिकेटर, वहीं ब्रेक मारेगा, ब्रेक ब्रेक लगेगा इधर से। तो ये अगर इंड पे आ जाता है तो इसको रिप्लेस करना हो। देखिए, ब्रेक दबाएंगे हम लोग तो ये मूव करेगा। देखिए, मैं और दबाइएगा। हाँ, तो अभी भी मतलब अभी यूजेबल रेंज में ही है ये। इसका जो रेंज है वो आप देखोगे तो ये देख रहे हो। तो अगर यहाँ पे आता है अगर सुई, तो मतलब ये होता है कि हमारा ब्रेक शू जो है घिस गया, आपको रिप्लेस करना है। अभी भी इतना गैप है फिर भी ये ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने कल दिखाया था एक मैकेनिक को, तो उसने कहा भैया आपका ब्रेक शू रिप्लेस करना होगा। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, रिप्लेस करने जा रहा हूँ। भैया जरा इसे ऑन करिएगा गाड़ी को, अगर मैं दिखाता हूँ कैसे ब्रेक अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही खड़े किए। हाँ, देखिए अभी ये चल रही है पहिया, ये मूव कर रहा है। तो अभी देखना, मैं ब्रेक लगाता हूँ तो यहाँ तक ब्रेक पे कोई मतलब ही नहीं पड़ा। देखिए, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, मैंने ब्रेक दबा दिया, इतना दबा दिया। देखिए, अब मैं ज़ोर से इसको दबाऊँगा तब ब्रेक अप्लाई होगा। थोड़ा सा ये चल रही है गाड़ी, देखिए ब्रेक दबा रहा हूँ मैं, ये अभी भी पहिया मूव कर रहा है। तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है और मतलब सड़क पे चलना बहुत ही डरावना हो गया है। तो इसको मैं आज रिप्लेस करने जा रहा हूँ और फिर आपको मैं बनाता हूँ वीडियो कैसे रिप्लेस हो रहा है। फिर मिलते हैं दोस्तों। जबकि इसका मैं आपको फ्रंट ब्रेक दिखा रहा हूँ, तो इसकी जो रेंज अभी काफ़ी बची हुई है यूजेबल रेंज, ये देखिए मिल जाएगा। पीछे का मुझे जो है अपना वो चेंज करना होगा ब्रेक शू। ओके दोस्तों, मिलते हैं दुकान पर मैकेनिक के। पिछली बार नहीं चाहिए, बहुत अगली। अच्छा, जानते भैया क्या है, इसका जो है ना पिछली ब्रेक कम इफेक्टिव है, ये आपको दोनों मारना ही पड़ेगा रोकने के लिए। ब्रेक को एकदम खराब चल चले लग, बाकी मतलब बदले को तो चला था। डेमो एकदम कसा दे ब्रेक पूरा नहीं तो कसा गया ना, डेमो ना सके। अगर चले ला को तो चला रहा, घिस के नहीं चले चले ला, एक बार है तो बदल जाए। मैं से कौन कंपनी भाई, मैं मकीनो, अच्छी कंपनी है मिंडा मकीनो, सब ठीक है। तो ये है मकीनो का ब्रेक शू, ये लगेगा, मकीनो अच्छी कंपनी है। देखिए इसकी मोटाई, देखिए इसकी इसकी लेदर की, और ये वाली है, ये जो कंपनी बजाज की है अच्छी खासी घिस गई है। अभी मतलब है इसमें लाइफ, लेकिन मतलब रिस्क है चलना, बहुत नहीं चलेगा। देखिए इसकी इसकी मोटाई ये मकीनो कंपनी का लग रहा है। एक मिनट भाई, नया वाला कहाँ गया। देखिए इसकी मोटाई, इसकी मोटाई अच्छा खासा घिसा हुआ मकीनो। इसे बनाया है एसके ने,
बजाज के लिए। ड्रम को साफ कर ले रहे हैं, हम थोड़ा घिस रहे हैं, इसे ग्रिपिंग अच्छी रहेगी। जो पिछली बार जा रहे थे साला, और आप चलते चलते बंद हो गई, मतलब पहिया उसके जाम हो गया, छू दे पूरा पहिया का, घूरती ही नहीं। तो बढ़िया हुआ था जगह। यहाँ तो कोई गड़बड़ रहता है तुरंत साला बदलवा लेते हैं, हमेशा चलना है कई साला। दवाई कस के दवा हो? हाँ ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी जाए रॉयल कैरी को भैया कस दिया गया है। देखिए दोस्तों, अभी हमने नया वृक्ष लगा दिया ना, तो वो जो रियूजेबल है रेंज देख रहे हैं आप, बिल्कुल अब स्टार्टिंग पहुंच गया है। देखिए जो ये रेंज है रियूजेबल, पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, धीरे धीरे घिसेगा वैसे यहाँ तक आएगा। ओके दोस्तों, तो ये मकीनों का लगाया गया है, मकीनों अच्छे ब्रांड है। देख बा ओके, देखिए एक्चुअली वे इसका रेट जो होता है 150 होता है, लेकिन मेरे मौसा जी जानने वाले हैं तो वो 120 रुपये ही मुझसे ले रहे हैं। तो दोस्तों ओके दोस्तों, तो अच्छा रहा हमारा यहाँ पे, और फिर आपसे मिलते हैं, फिर देखते हैं कैसा ब्रेक लग रहा है, फिर आपको हम बताते हैं।